हेलो एवरीवन, सो इफ यू गो एज पर द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन सीईटी का डेट जो होगा वो 26th ऑफ जून होने वाला है। जहां तक अभी तक वेबसाइट पे ऑफिशियली नहीं आया, बट यस इट इज एक्सपेक्टेड कि 26th ऑफ जून ही आपका सीईटी का एग्जाम होने वाला है। सो इफ यू सी फ्रॉम नाउ देयर इज रफली अराउंड 75 डेज, या मैं बोलूं 10 वीक्स का ओवरऑल टाइम है। नाउ इन 10 वीक्स में हमको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, आई एम गोइंग टू क्विकली शो यू दैट एंटायर स्टडी प्लान। ओके, आई एम गोइंग टू गिव यू डे वाइज एवरी डे आपको कितनी प्रैक्टिस, कितने टेस्ट, क्या करना चाहिए, सब कुछ देखेंगे। So, ये जो पूरा 10 वीक्स है ना, इसको आप एक इस तरीके से एक प्लान बना के ले चलो। ओके, देयर आई एम मेकिंग एन एंटायर प्लान लाइक दिस, ओके, दैट यू हैव। एंड जब हम पूरा प्लान देखते हैं, जब पूरा प्लान डिस्कस करते हैं, तो लास्ट का जो एक हफ्ता है, लास्ट का एक हफ्ता ध्यान रखना, वो आपका हमेशा रिविजन की तरफ जाने वाला है। सो हियर, ओके, दिस एंटायर थिंग इज गोइंग टू बी फॉर रिविजन। सो आई विल कम टू द पॉइंट कि लास्ट के एक हफ्ते में कैसे रिविजन करना है, क्या क्या चीज करनी है, उसके लिए भी बात करेंगे। बट फॉर नाउ इफ आई एम सीइंग इट लाइक दिस, ओके, दिस इज टोटल ऑफ 10 वीक्स दैट यू हैव। ओके, सो 1, 2, 3, 4, 5, ओके, यहाँ पे हमने वीक नंबर 1, 2, 3, 4, 5 वीक्स का यहाँ पे हम बनाएंगे, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे भी हमने एक 5 वीक्स का प्लान बनाया हुआ है, जिसका लास्ट वीक जो है, यानी कि 10th वीक आपका रिविजन होने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने ओवरऑल एक 10 वीक्स का प्लान लेके चल रहा है। नाउ ये 10 वीक्स में एवरी वीक देयर इज सर्टेन टेस्ट, ओके, देयर इज एवरी वीक देयर इज गोइंग टू बी सर्टेन टॉपिक्स दैट यू हैव टू कवर अप, एंड देयर इज एवरी वीक देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको करना है। अब हमारे प्लान में, जो मैं आपको प्लान देने वाला हूं, यहां पे डेली बेसिस पे यू हैव टू एटलीस्ट प्रैक्टिस 100 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस का डेली प्रैक्टिस होनी है, ओके। और यहां पे आपको एक टॉपिक वाइज का टेस्ट देना है, एक 30 मिनट्स का टेस्ट देना है आपको, ओके, ये भी आपको कवर करना है एवरीडे बेसिस पे। ध्यान रखना, सीईटी में सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है वो है स्पीड का, और स्पीड का चैलेंज को ब्रेक करने के लिए द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू इज यू नीड टू गिव टेस्ट एवरी डे। अभी से लेके टिल योर सीईटी एग्जाम, हर दिन अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो, दैट मीन्स यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक, ओके। आप पढ़ाई कर रहे हो, टॉपिक्स कवर हो रहा होगा, आपको टॉपिक्स राइट भी आ रहा होगा, लेकिन जो वो 150 मिनट्स में आपको 200 क्वेश्चंस करने होंगे, दैट स्पीड दैट यू वांट, दैट कैन ओनली एंड ओनली कम विद और विद डेली बेसिस ऑफ टेस्ट, डेली बेसिस ऑफ मॉक्स एंड ऑल दैट यू कैन गिव। सो यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, इफ यू क्विकली सी हियर, ओके, यहां पे आपको फटाफट, ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू क्विकली रन यू थ्रू द एंटायर थिंग, ओके। सो यहां पे देखो, ये हमने वीक 1 का प्लान दिया है आपको, यहाँ पे वीक 1 है, वीक 2 है, वीक 3 है, एंड ये वीक 4 है, तो 4 हफ्ते का यहाँ पे प्लान दिया है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप जब पढ़ोगे, डाउट्स आने ही वाला है। आई सी दैट द इंस्टीट्यूट्स डोंट फोकस मच ऑन डाउट्स, ओके, बट यहाँ पे हमने हर हफ्ते आपको लाइव में डाउट क्लियरिंग भी दे दिया है, लाइव में आपकी पर्सनल मेंटरिंग भी कर रहे हैं, 1-to-1 JBIMS के स्टूडेंट्स आपसे बात करेंगे, आपको गाइड करेंगे। तो ये सारी चीजें हो रही है वीक 1, 2, 3, 4 में। अगेन, एंड इफ यू सी, ऑब्वियसली लॉजिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके, तो लॉजिक पे एब्स्ट्रैक्ट तो हमने हर हफ्ते ही ऑलमोस्ट टच किया, यहाँ पे अगर आप देखोगे, ओके, वी आर टचिंग एब्स्ट्रैक्ट एवरी वीक, सो द फोकस इज देयर ऑन लॉजिक, ओके, वी विल बी साइमल्टेनियसली मूविंग विद द वर्बल पार्ट, ओके, वर्बल भी आपका हर जगह होने वाला है, ग्रामर के ऊपर अलग अलग से टॉपिक्स है यहाँ पे जो हो रहा है। द लेक्चर्स आर गोइंग टू हैपन 9 to 11 PM, रात को 2 घंटा बैठेंगे, ओके, और पूरा डिटेल में करेंगे। इसी तरीके से आप अगर आप देखोगे तो द नेक्स्ट 4 वीक्स, ओके, तो यहाँ पे वीक नंबर 5, वीक नंबर 6, 7 and 8, तो यहाँ पे भी और हमने 4 हफ्ते यहाँ पे निकाले, ओके, जहाँ पे हर हफ्ते यहाँ पे देख रहे हो वर्बल भी हो रहा है, लॉजिक भी हो रहा है, ओके, कॉन्स भी हो रहा है, ऑल ऑफ दैट इज हैपनिंग हियर, ओके, दैट इज गोइंग टू गो ऑल थ्रू द केस, ओके, जहाँ पे डिटेल में, ओके, ज्योमेट्री कम आता है लेकिन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप JBIMS के लिए एम कर रहे हो तो आप ज्योमेट्री छोड़ नहीं सकते हो। पीपल आस्क मी, सर ट्रिग्नोमेट्री क्यों करना है हमको, सर ये फंक्शंस क्यों करना है, यार एक क्वेश्चन आएगा, दो क्वेश्चन आ सकता है जो कि बहुत इजी लेवल पे होगा, और जो बच्चे नहीं पढ़ के जाते हैं, जो JBIMS फोकस कर रहे हैं वो पढ़ के जाएंगे, वो इनको क्रैक करके आ जाएंगे। आई अग्री, बहुत कम वेटेज है, लेकिन हमने भी एक ही लेक्चर रखा है, उसके ऊपर ज्यादा लेक्चर नहीं रखा है। Now coming to the point, okay, week number 10 यानी कि 17th जून से 24th जून में पूरा हमने वहां पे कॉन्स, लॉजिक, ओके, लॉजिक का लास्ट डे भी, यानी कि 3 दिन लॉजिक होगा, एब्स्ट्रैक्ट है, और 2 दिन वर्बल है। इस तरीके से अगर हम करेंगे तो यहाँ से हमारा पूरा रिवीजन भी कवर हो रहा है। और ध्यान रखना, यहाँ पे जो हमको इंपॉर्टेंट चीज पे फोकस करना है एवरी डे, यहाँ पे अगर आप आओगे मेरे साथ, ओके, मैंने यहाँ पे अलग से शो किया है, इफ यू सी हियर, एवरी डे देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ होमवर्क दैट यू विल बी गेटिंग हियर, ओके, या होमवर्क भी करना है हमको, ये होमवर्क मिलेगा आपको, होमवर्क नंबर 1, होमवर्क नंबर 2, लेक्चर असाइनमेंट मिलेंगे आपको, और उसी के साथ साथ आपको एक टॉपिक वाइज का टेस्ट भी देना होगा।
All of this is included in your daily basis schedule. So in case you're looking for any of these programs in detail, okay, please जाके description में हमारे contact numbers दिया, वहाँ पे contact कर सकते हो. You can avail a free demo session to understand how to follow these daily schedule. All the best.